वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था। आप लोगों को क्लियर तो नहीं है ना? अच्छा, अगर मैंने तुमने जो कह दिया लल्ला, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, तो आप कर लोगे? क्या इक्वेशन प्रूव करके लाओगे? म्यूजिकल टू टेन थीटा, ऐसे ही बोलते हैं। सुना है थीटा काय के बराबर होता था? अच्छा, थीटा बराबर लैम्डा भी होता है। इसमें थीटा कौन? एंगल ऑफ रिपोज। लैम्डा कौन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझने पता है? अच्छा, काय मैंने सुनी है एंगल ऑफ रिपोज को डेफिनेशन पता है तुम्हें? काय समझ गए? मैं ही बोल लेता हूं। When an object is placed on an inclined plane in the limiting position, then the angle between the inclined plane and the horizontal is called angle of repose. It is denoted by the letter theta. बोलो, क्लियर है हमको? तो बच्चों, इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, सवाल दे रहा है। क्या दे रहा है? और उस सवाल में हमको वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है उस सवाल में? कहाँ चले गए हम? उस सवाल में वो हमसे बोल रहा है बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे एक इंक्लाइंड सरफेस पे लिमिटिंग पोजीशन में रखा गया है। बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसे इंक्लाइंड सरफेस पे लिमिटिंग पोजीशन में रखा गया है और इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसने आपसे कुछ एक बातें पूछी हैं। एक वो आपसे कह रहा है एंगल ऑफ रिपोज बता दो, एक वो आपसे कह रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता दो, एक वो आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो, और एक वो आपसे कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है जिस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है तो ऑब्जेक्ट और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो बता दो। उसने ये बोला है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 किलोग्राम, और फालतू की जी भी के चक्कर में हम वो लिखवाए भूल गए, जी कितने का हुआ? 9.8। क्वेश्चन में उसने आपको दे रखा है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आप सभी लोगों को 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ें, इस पे चिंतन करें, और ज्यादा नहीं तो कम से कम ये 3 आंसर तो मुझे आपसे ही चाहिए, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, है ना? बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन को समझते हैं। उसने मुझसे क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ये मैंने ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है और इसका मास कह रहा है 1 किलोग्राम है। कितना है? 1 किलोग्राम का मास है। समझ में आ रहा है आपको? उसने मुझसे ये साफ तौर पर बोला है कि ऑब्जेक्ट जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है ना वो लिमिटिंग पोजिशन में रखा हुआ है, और लिमिटिंग पोजीशन में रखा हुआ है तो लिमिटिंग पोजीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तब इंक्लाइन प्लेन ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। बात समझ में आई? लिमिटिंग पोजीशन स्पेशली ये जरूरी है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? अभी कोई नोट मत करना, पहले मुझे समझा लें दो, इसमें लिखाऊंगा मैं बीच बीच में। यहां पर मैं ये लिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन से ये बात क्लियर हो गई है कि ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे लिमिटिंग पोजीशन में रखा हुआ है, और ये बात हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट लिमिटिंग पोजीशन में होता है तो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर, और इसे थीटा से डिनोट करते हैं, तो एंगल ऑफ रिपोज ही हो गया। ये नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? तो पहला आंसर आया हमारा एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री। समझ में आई बात? तो उसने हमसे एंगल ऑफ रिपोज ही पूछा था, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ थीटा की, थीटा क्या लिख दूँ अपने को, उसने मुझसे ऐसे लिख देता हूँ एंगल ऑफ, क्या पूछ रहा है वो हमसे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज ये पूछ रहा था, ठीक है बॉस? फिर उसने मुझसे पूछा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बताऊं। आप बताओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिनोट करते हैं? तो भैया हमने ये भी पढ़ा है कि एंगल ऑफ रिपोज बराबर होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इस वजह से मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को भी क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री। क्यों लिख रहा हूँ ये आंसर समझ में? यहाँ लिखाऊंगा मैं बीच बीच में, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री क्यों आया, बात समझ में आई? आगे उसने मुझसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताऊं।
कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट करते हैं। काफी लोगों ने अगर यहां तक पहुंच गए होंगे तो इनके दिमाग में एक ही कोशिश जा रही है, म्यू बराबर एफ एफ अपॉन आर, म्यू बराबर एफ एफ अपॉन आर। न एफ एफ को पता है, न आर को इल्लो है, क्लियर है? तो सुने, हाँ तो ईमानदारी से कितने लोगों के दिमाग में म्यू बराबर एफ एफ अपॉन आर चल रहा था बताओ? वो इसलिए चल रहा था क्योंकि मैंने लठ मार के वो डेफिनेशन आपको याद करवा दी है कोफिशियंट ऑफ, इसीलिए आपको वही याद आ रहा है। कल को एंगल ऑफ रिपोज वगैरह ढंग से लक्षण से पढ़ा लो होते तो म्यू बराबर टेन थीटा फॉर्मूला दिमाग में आने लगे तो नहीं आई बात समझ। तो जरूरी थोड़ी है एफ एफ अपॉन आर ही लगे हर जगह, तो म्यू बराबर टेन थीटा भी तो होता है। अच्छा ऐसे नहीं लिख सकता म्यू बराबर टेन लैम्डा, एक ही बात है ना? तो थीटा मैंने कितने देते ही लाला 30 डिग्री, तो ये हो गया 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं कितनी होती है, 1/√3। और आगे बढ़ाना चाहो तो रूट थ्री की जगह 1.732 रख के सॉल्व कर सकते हो या रेशनलाइजेशन कर सकते हो इसका। समझ में आ रही है बात? इतना छोड़ना इतना छोड़ सकते हो, बात समझ में आ रही है? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के बाद अगली बात आती है, उसने मुझसे पूछा है फ्रिक्शन फोर्स। अब आप बताओ मुझे यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, उसने क्वेश्चन में साफ बोला है ये लिमिटिंग पोजीशन में है, क्लियर? तो अगर जैसे अपन पुराना अगर आपको लच्छन से पढ़ाई है, mg था ये रिजल्टेंट है जा का और जा का, ये थीटा था तो ये भी थीटा था, ये mg cos थीटा और ये कुछ याद आ रहा है आपको सब? ऑब्जेक्ट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, ये वही वाला फिगर है जो कल आपने एंगल ऑफ रिपोज में पढ़ा था, है ना? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बैलेंसिंग पोजीशन में, ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे जा रहा हो, जा का मतलब ये दो कैसे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो एफ एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो एफ एफ इज इक्वल टू एम कितना है बताओ, जी हो गया हमारा 9.8, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, 9.8 बन जा, टेबल आता है 9.8 साइन 30 डिग्री 1/2, 2 से 9.8 काटूंगा 4.9 बन जा 4.9, शाबाश। यूनिट क्या लिखो, न्यूटन, नोट्सों में लिखी इसलिए तो किस लिए? अच्छा ये फोर्स है कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, समझ गए? उतार लो करता हूँ, इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दे रहा है, तो अगले क्वेश्चन में मालूम है इसे क्या कहना है। अच्छा जो भी करना है आपने ही करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो इशारे करूंगा, मैं तो इशारे करूंगा, क्लियर? तो हम बताओ जरा मुझे, मैंने वैसे ये बात मैं रोज ऐसा करा और अभी नहीं बता पाए तो जाना बस घूर गया, बताना जरा कितने लोग आंसर इसका एक्सपायर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ना तो x माइनस y है ना y माइनस इसके अलावा कुछ और है तो तुम लोग हाथ उठाया, तो गलत आपको एक बात समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ बोलो यार, चलो कुछ मारो कितने एक सेकंड में मत रहेंगे, जा को आंसर ये तो x माइनस y है सब बता चुका हूँ भैया पहले, है बोलो भैया सबका बता चुका हूँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, इसका आंसर या तो x माइनस y है या y माइनस x। अब मैं इशारा कर रहा हूँ बताओ रिजल्ट कितना आएगा, जी जालन जा रहे हो, जालन जा रहे हो, जी बोलो
करके आ जाओ, पहले वेट बताओ कहाँ लगेगा। तो वेट एमजी से डाउनवर्ड ट्रैक्शन और कौन सा लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, कैसे सही है तुम बता रहे थे, थोड़ा सा सही साफ कर सकते हैं, सही कर सकते। अच्छा और क्या के अलावा ट्रैक्शन को कैसे कह रहा है। अभी तक हम जब एंगल ऑफ रिपोज पढ़ रहे थे तो उसमें सीन ऐसा था कि ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लिमिटिंग होती है, यही चल रहा है। अब वो मोदीनियो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे क्लियर इंक्लाइन प्लेन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरक रिया है। कौन सरक रिया है, जो इसका मतलब फोर्स लग रिया है। तो पूछ रहा है कितना फोर्स लग रिया है और संगमवा ने जो पूछी है कि जब ये ऐसे नीचे जा रहा है तो ये भी बता दो कितना एक्सेलरेशन है। फिर संगमवा नहीं मान, ये कोई एक बीमारी लगे तो संग में चार बीमारी और आ रही होता है कि नहीं होता है। इन द सेम वे जब माने फोर्स को ले दो तो मन नहीं मान रहा है एक्सेलरेशन को, तो जो नहीं रुका बच्चा फिर वाने जो पूछे अब जो बता दे तो जनते जनता भी ऐसे सड़क के रहो है तो हर कदम कितना होगा। जो काटना खा रहा हो फिर वहां ने जीव कह दी, जीव बता दो अगर इतने बता रहे तो अगर फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं लगे तो मैं जा रहा हूँ काट दे जा मशीन से बन रहा है इस पे ऐसे ना डायरेक्शन दे दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ वो अमन कुत्ता भी टी एक्स वाई कर रही है, कैसे जा रहा है भैया ये बॉडी है ये फोर्स ऐसे लग रहा है कैसे लग रहा है। अब ये कैसे जा रहे हैं तो बड़ा कौन सा हुआ, छोटा कौन सा हुआ, क्या लिखूं, शाबाश बच्चों शाबाश। तो नेट फोर्स समझ नहीं आई,
लपक गए। अच्छा, अब बार बार नेट कोर्स कर दो। नेट कोर्स माने एफ डी तो पहले भी करवा रहा हूँ, एफ लिख दो तुम्हें बुरी तो लगे 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 जा रहा हूँ। अच्छा, एम जी साइन डीटा माइनस एफ एफ की जगह एम जी साइन डीटा लिख दो। यस सर मैम, कनपटी ले रह जाएगी। यस सर वारे क्लियर। एमएम बराबर एम जी साइन थीटा नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता? हाँ सर की रहो है। तो एफ एफ का देसी फॉर्मूला था एफ एफ बराबर म्यू आर। पढ़े नहीं पढ़े? एफ बराबर एम जी साइन थीटा, आर बराबर राम जी, आर बराबर रांची रांची। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस होता तब ऐसे रहता, तो ये आर लगता, ये एम जी लगता, यहाँ आर बराबर एम जी आता। इंक्लाइन प्लेन पे भैया आर का एम बराबर है। कल करो तो कि नहीं करो तो सवाल में भी। ओए हेलो, बस बैठो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैंने एफ एफ बराबर एम जी साइन थीटा नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा? आपको समझ में आया? ये समझने वाली बात है। आर बराबर एम जी क्यों नहीं रखा? एम जी कॉस थीटा क्यों रखा? समझ में आया? एम जी क्यों नहीं रखा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वहां पर नॉर्मल रिएक्शन एम जी से बैलेंस हो रहा था, लेकिन इंक्लाइन प्लेन है तो यहाँ ग्रेफ दिख नहीं रहा आपको। क्या लिख दूं? आ गया आंसर, अभी नहीं कहा आएगा। अब कहा हो, अब कब आओ? क्लियर? कौन आ गया? ये कौन आ गया? पूछ रहा था ना, ये फोर्स आएगा। फोर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखते हैं, बराबर है कब जल्दी चले। ये अगर ऊपर जा रहा हो तो बच्चा फॉर्मूला में बता रहा है। क्लियर है? सुनता जा, अभी खत्म नहीं हुआ। क्या आ गया? अब आप आया अगर आप अब मुझे एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला एफ डाई के बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। बोलो भैया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे मी की जगह जीरो धर देंगे और कहा जी साइन थीटा, या इसी से सॉल्व कर लो। एफ बराबर एम है, एम पे एम कटक हो जाएगा। नहीं है मेरे पास। इसी तरीके से वर्क डन का निकालेंगे, म्यू जीरो हो जाएगा, तो ये तो कहानी खत्म हो गई। तो केवल एम जी साइन थीटा इन टू टी। बात समझ में आ रही है?
किसी को कोई दिक्कत? किस आधार पे मैंने कैसे ये डेरिवेशन किया आपको पल्ले तो नहीं पड़ा? पड़ गया, कर पाएंगे हम लोग, देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद हमारे सामने एक और नोट दिया हुआ है, उसमें अभी अब मैंने ये जो केस करा है उसमें ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने ये सारे फॉर्मूलाज निकाले। अगर वो इसी बात पे ऐसे बोले कि ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यही फॉर्मूले आएंगे, बस एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस पी एम जी कॉस थीटा, एक्सेलरेशन का जी साइन थीटा प्लस पी जी कॉस थीटा, वर्क का एम जी साइन थीटा प्लस पी एम जी कॉस थीटा। भाषा समझ में आ रही, शायद कोर्ट में लिखा भी होगा, ठीक है ना, देख लो फटाफट। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेटर, यही है।